दोस्तों, मैं परवेज और आप सभी का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ मेरे और आपके यूट्यूब चैनल परवेज द सोल्जर में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फिशिंग से रिलेटेड जो एक्सेसरीज होती है उसके वीडियोस ज्यादातर हम लोग कवर करते हैं। तो ऐसे ही एक शॉप जो कि काटा बाजार, सीएसटी काटा बाजार में है, मस्जिद बंदर में, वहां पर हम लोग आ चुके हैं। लोखंड वाला जो शॉप का नाम है गाइस, तो आज हम करेंगे लोखंड वाला शॉप का पूरा विजिट, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मुझे चैनल के ऊपर कि आप वीडियो डालो और वीडियो बनाओ, जैसे हम लोग नए जो बिगनर्स हैं उनके लिए बनाओ। तो आज खास करके हम लोग सभी चीज़ को कवर करेंगे गाइस। तो वीडियो में बने रहे, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पुराने तो ऑब्वियसली लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो स्टे ट्यून, थैंक्स अलॉट। वालेकुम शबीर भाई। वालेकुम सलाम। और कैसे हो भाई? हमको आज मतलब आप स्टार्टिंग से, मतलब जो बेसिक प्राइस है वहाँ से स्टार्ट करके हाई हैंड तक बताइए कि जो प्रो लेवल के लिए भी हो जाए और जो बिगनर से बेसिक जो कर रहे हैं उनके लिए हो जाए, ऐसे हमको रॉड्स के बारे में थोड़ा बताइए आज। स्टार्टिंग अपने पास 250 से स्टार्ट होता है जी। बेसिक रॉड है जो नए खिलाड़ी है, बिगनर है, उनके लिए है। ओके। इसमें भी अच्छी क्वालिटी है अपने पास, 350, 450, 550। ओके। जैसा भी कस्टमर लेना चाहे, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस 250 से स्टार्ट है। 250 स्टार्ट है, ये 250 का है मतलब? ये 250 है, रेड कलर का आएगा। ओके। 6 फीट से स्टार्ट होएगा। 6 फीट। और फीट का कैसे, मतलब जैसे फीट बढ़ेगा वैसे? फीट बढ़ेगा तो उसके ऊपर 100 रुपया 50 रुपया जो भी रहेगा। अच्छा, उसके हिसाब से पैसा बढ़ेगा। ओके। और ये सब क्या रेंज है, इसका रेंज बताइए ये वाले का? ये सब अच्छे खिलाड़ी, जो पुराने खिलाड़ी है वो भी खेल सकते हैं इनसे। ओके। 750-700 से स्टार्ट है। ओके। इसमें अपने पास 1000-1200 का रेंज है, मतलब प्रो लेवल के फिशर्समैन भी इसको ले सकते हैं। शबीर भाई, ये ओकुमा का रोड के बारे में बताना थोड़ा। ओकुमा का रोड है और बहुत जबरदस्त रोड है, पूरा कार्बन का आता है। ओके। इसमें 7 फीट से स्टार्ट होता है, लेकिन अभी इसमें 7 और 8 फीट ही अवेलेबल है अपने पास, और ये 800 रुपए से स्टार्ट होता है, 800 से। ओके, 800 से स्टार्ट। बहुत अच्छा रोड है, इसकी गाइड वगैरह सब अलग से ही आएगी पूरी। ओके। हाँ, ये क्या चीज है, ये कौन सा रोड है? पोलो रोड है, इसके अंदर मशीन नहीं लगता है। ओके। और ये अपने पास 225 से स्टार्ट है। ओके। इसको ओपन करके दिखाना, कैसे होता है ये, कैसे ऑपरेट होता है? ओके। अच्छा, ओके। ये भी फीट है, हो गया ना, ये 6 फीट होगा मेरे ख्याल से। ये 7 फीट। 7 फीट है। ओके। इसमें भी अलग अलग फीट अवेलेबल है? इसमें 15 फीट तक अवेलेबल है अपने पास। ओके, ओके। और ये इसका क्या रेंज है? ये आएगा आपको 250 का। ओके। और ये बाकी इसमें, और इसमें भी हाई हैंड हो गए ना, जो अच्छा क्वालिटी? ओके। इसमें भी है अपने पास, लुकाना का भी है, मेड इन जापान वाला भी है। ओके। गाइस, तो हम लोग ने रॉड का सेक्शन कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने टेलीस्कोपिक रॉड देखे, बहुत ही अच्छे हाई हैंड भी देखे और बिगनर्स के लिए भी देखे। तो हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे रील्स के लिए। रील्स पे हम जाएंगे पहले बिगनर्स के लिए जो स्टार्टिंग रेंज है, तो आना। गाइस, ये हमारा बेसिक है, ये जो हमने 6 रील हम लोगों ने इसको डिसाइड किए है, इसमें से ये जितने भी रील्स है ये 1000 रुपीज के अंदर है, 250 रुपीज से स्टार्ट है गाइस। तो जैसे कि ये जो रील्स है, ये आप मोस्टली जो बिगनर्स है उनके लिए है, 1000 रुपीज का हम लोगों ने इसे सेक्शन करे है। तो ये जो 6 रील है ये बिगनर्स के लिए है गाइस। इसके बाद में और भी रील्स है हमारे पास में, जिसमें ये पाइनर का है गाइस। इसकी क्या रेंज पड़ेगी ये? पाइनर अपने पास 900 से स्टार्ट होता है। 900 से। ओके। पाइनर की बहुत बेस्ट क्वालिटी रील्स है गाइस, इसमें लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, लाइन कंपनी मेड है। इसके बाद में ये कौन सा, ये लुकाना का है। ओके। ये इसका क्या रेंज है लुकाना का? लुकाना में अपने पास नैनो स्पिन है। ओके। लुकाना रेनो है, लुकाना प्रेडिटर है। ओके। इसका 1200 रुपए से स्टार्ट प्राइस। अच्छा, 1200 रुपए। ये तो मेरे ख्याल से जोनेक्स है, ये ना डाइवा का है ना, ये वाला डाइवा जोनेक्स। ये डाइवा जोनेक्स है, बहुत बेहतरीन रील। उसके बाद में ये डाइवा की तीनों आप लोग सभी जानते होंगे, FX और LT, वो कौन सा है, MGS। ये तीनों भी बहुत जबरदस्त रील है। इनकी क्या रेंज है भाई तीनों की? ये 1450 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। 1450 रुपए से। ओके। 1450 रुपए से। ओके। अलग अलग रेंज की है, MGS अलग रेंज की है, इसमें RX LT अलग है। ओके। उसके बाद में ये यहाँ पर और भी वराइटीज है, यहाँ पर रपाला का है, ये सब पावर हैंडल की मशीन है। ओके। ये फाल्कोन है, ये कोमोडो है। ओके। रपाला है। रपाला।
गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बिगनर्स के लिए भी है और प्रोफेशनल जो प्रो लेवल फिशिंग करते हैं उनके लिए। तो गाइस, अभी हम लोग का रील्स हो गए, रील्स के लिए सबसे जरूरी है लाइन, तो लाइन की तरफ चलते हैं। इसका क्या रेंज है ब्रेडेड लाइन का? ब्रेडेड लाइन में अपने पास 250 से स्टार्ट है। 250 से, ओके। उसमें सब मतलब साइज मिल जाएगी, 4X, 8X वो साइज मिलेगी, और इसमें अपने पास 5 से 6 ब्रांड है। ओके, ब्रांड है, ओके। इसके बाद में ये भी गाइस, यहाँ पर 4X 8X यहाँ पर भी रखी है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है पूरा। अगर आपको 1000 का पूरा स्पूल चाहिए तो वो स्पूल भी अवेलेबल है। इसका क्या रेंज है स्पूल्स का? पूरा स्पूल नहीं है, पूरा का पूरा तो आपको 2000 का स्पूल। ओके, हाँ मतलब स्पूल लेंगे तो थोड़ा कंसेशन मिल जाएगा, उसमें थोड़ा फायदा गाइस। उसके बाद में ये मोनो लाइन्स है, मोनो लाइन्स में भी अलग अलग वैरायटीज है। इनका क्या रेंज है मोनो लाइन्स में? मोनो लाइन में 100 रुपीज से स्टार्ट है। ओके, इसमें अपने पास फिशर किंग, डाइवा, ओके, और फायरफॉक्स, जर्मनी का फॉक्स क्लब, स्ट्राइक लाइट, इसमें भी अपने पास 5-6 ब्रांड है। और जो लोग हैंड फिशिंग करना चाहते हैं उसके लिए ये लच्छे वाला जो आइटम है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है गाइस। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा चलता है। इसमें सभी टाइप के हैं, 40-45 mm सभी टाइप मिल जाएंगे ना इसमें? सभी टाइप के मिल जाएंगे। ओके, सब साइज मिल जाएगी, साइज अवेलेबल है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग सारे रॉड रील्स देख लिए, अभी हम लोग पूरा शॉप का विजिट करेंगे गाइस। क्या क्या शब्बीर भाई के दुकान में, मतलब लोकड़ वाला एंड ब्रदर्स के शॉप में क्या क्या है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर में ये रॉड स्टैंड है, ये रॉड स्टैंड है। आप लोगों ने मेरे चैनल पे वीडियो भी देखा होगा कि कैसे मतलब अपने आप हुकअप होता है। तो ये रॉड स्टैंड है, इसमें क्या रहेगा? ये 300 से स्टार्ट होगा, 300 से स्टार्ट है। इसमें और भी अच्छी अच्छी क्वालिटी है, अभी तो मैं सिर्फ एक बेसिक दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए और वीडियो बड़ी ना हो। तो इसके बाद में आप लोगों ने पोलो रॉड तो देख लिया, फिश बैग, और ये रॉड बैग है, फिश बैग, रॉड बैग, रॉड बैग, ये रॉड बैग है गाइस। हाँ, इसका क्या रहेगा गाइस? तो रॉड की प्रोटेक्शन के लिए ये 450 रुपीज़ का रॉड बैग है, बहुत ही थिन है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है गाइस। तो आप लोग इस पर प्रेफर कर सकते हो, अगर आपके हाई कॉस्टली अगर रॉड है तो आप इसमें डाल सकते हो, ताकि वो सेफ रहे। उसके बाद में गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर और भी अलग अलग टाइप्स के रील्स वगैरह अवेलेबल है गाइस। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना हो, और आप सबको मतलब जो भी आपके शॉप में जो भी अवेलेबल हो आप सबको देखने के लिए मिल जाए गाइस। तो ये यहाँ पर फ्लोटर्स है, फ्लोटर देख सकते हो, हर साइज का है। ये अभी 30 ग्राम का है, 30 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम, सब सभी अवेलेबल है साथ में। ये सारे रॉड की वैरायटी आप लोगों ने देखा ही था पहले। उसके बाद में ये लोअर्स है, ये लोअर्स है, लोअर्स तो मोस्टली ये जो सी फिशिंग करते हैं उनके लिए लोअर्स है। यहाँ पर ये जितने भी ये सब डाइवर्स है, ये डीप डाइवर है, कितना मीटर का है? ये 2 मीटर का है, 2 मीटर वैरायटी का है। क्या रेंज है इनका? ये 180 का है, ये 180 रुपीज से स्टार्ट है। और इसमें और भी अच्छे अच्छे रापाला वगैरह जो अपने अच्छे अच्छे ब्रांड है उसका भी है, लुकाना का भी है गाइस। उसके बाद में और ये सेक्शन है यहाँ पर हुक्स, हुक बॉक्स का, ये इसमें हुक्स वगैरह रख सकते हो आप लोग कंफर्टेबली। बाकी ये इसमें छोटा साइज है, फिर ये बड़ा है, बाकी ये सब लोअर बॉक्स है। मैं एक खोल के दिखाता हूँ क्योंकि सारे खोल नहीं पाऊंगा, टाइम थोड़ा कम है गाइस। ये सब लोअर बॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 12, इस तरफ भी 6, इस तरफ 6, 12 पीसेस इसमें आ जाते गाइस। बाकी ये हैंड कैस्टर है, आप लोगों ने हैंड कैस्टर देखा होगा जो हैंड लाइन से खेलते, इसको यहाँ से थ्रो करना होता है, ये हैंड कैस्टर है। इसमें भी 2-3 साइज होती है, ये एक छोटी साइज है, ये एक छोटी साइज है, बाकी ये बड़ी साइज है गाइस। तो इसके बाद में ये हुक्स है, ये लेट्स वगैरह है, सिंकर, फिर बड़ा छोटा से छोटा, फिर हुक्स है, हुक्स भी ऑल साइज हुक्स अवेलेबल है गाइस। मतलब ऐसा है कि पिन से लेके प्लेन तक सब चीज़ें इस शॉप में अवेलेबल है, लोकड़ वाला एंड ब्रदर्स शॉप में। तो गाइस आप लोग अगर विजिट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप ऑनलाइन चाहते हो तो ऑनलाइन भी सारी सर्विसेज अवेलेबल है, सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे।
तो आप लोगों को सिर्फ करना क्या है, आप लोगों को व्हाट्सअप, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है व्हाट्सअप का, और मैं स्टार्टिंग में भी आपको वीडियो में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। मोस्टली व्हाट्सअप पे अगर आप कॉल करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कॉल सभी के उठाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं अभी काफ़ी देर से खड़ा हूँ, बहुत भीड़ होती है। तो चलिए और अभी देखते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है। एक सेकेंड, ये क्रैबनेट है रिंग वाला। इसका फंडा ऐसा है कि इसमें एक बीच में लाइन होती है और इंटरस्टाइन मतलब मुर्गी की आंत होती है, वो इधर बांध के इसको ऐसे ही प्लेस कर दिया जाता है। इसमें क्या क्रैब आते हैं तो उनके पैर इसमें फंस जाते हैं तो वो निकल नहीं पाते, तो ये एक अच्छी क्रैब नेट है, क्योंकि हैवी जो पानी चलेगा उसमें ये चलेगा। बाकी 6 फीट का क्रैब नेट है ये वाला, ये आप लोगों ने देखा होगा अम्ब्रेला नेट है, ये बाहर भी लगा हुआ है, मैं बाद में बता दूंगा आप लोग को। ये अम्ब्रेला नेट है, अम्ब्रेला नेट के अंदर क्या है कि हैवी अगर पानी तो उसमें इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि ये उल्टा पल्टा हो जाता है, क्योंकि मैं खुद फिशिंग करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम होता है। बाकी ये जो नेट है ये हैवी रेन में भी पानी अगर भाग रहा है तो उसमें भी ये चलेगा। इसका क्या रेंज है ये वाले का? अभी मैं गाइस, तो ये एक अभी हम लोग पास में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि है लाइफ जैकेट। इसके बारे में बताना शबीर भाई। सर ये सेफ्टी जैकेट है। ओके, 110 किलोग्राम तक लेता है ये। अच्छा, इसमें भी अपने पास 350 रुपये से रेंज स्टार्ट है। ओके, मतलब इसमें और भी हाई हैंड है, इससे लो कॉस्ट वाले भी है और इससे हाई हैंड। ओके ओके, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है गाइज ये, अगर आप डीप फिशिंग करते हो अगर तो ये पहन के जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है गाइज। तो बहुत बहुत शुक्रिया शबीर भाई। गाइज, तो हम लोग का जो आज का जो वीडियो था वो ख़त्म होता है गाइज। तो आप लोगों को सबसे ज़रूरी बात बताना है, ये चाहता हूँ कि जब भी आप कॉल करोगे शबीर भाई को तो आप व्हाट्सअप करिए, फ़ोन ना करिए, क्योंकि फ़ोन करेंगे फ़ोन उठा नहीं पाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप व्हाट्सअप करिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए और नेगोशिएट हो जाएगा, आप बात करिए, व्हाट्सअप के ज़रिए बात हो जाएगी अगर तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने वीडियो देखा एंड तक, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।